ये अपना बैंगन का पौधा है जो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी बैंगन नहीं लग रहे हैं। वहीं सेम इसी के साइज़ के ये दो बैंगन और हैं, इन पे आप देख सकते हैं अच्छे खासे बैंगन लगे हुए हैं। अभी उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो इनका भी मैंने किया था ट्रीटमेंट, तो सेम ट्रीटमेंट मैं उसका करूँगा। तो देखते हैं उस ट्रीटमेंट से दोबारा से उसमें बैंगन लगने शुरू होते हैं या नहीं। तो मैंने क्या किया था, अभी हम करेंगे उसकी प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग करेंगे, लाइट नहीं करेंगे, हैवी प्रूनिंग करेंगे। इसमें देख सकते हैं अच्छे खासे इसमें बैंगन लगे हुए हैं, और उसमें बिल्कुल हमारा एक बैंगन ही लगा हुआ है, कोई बैंगन नहीं है। सेम इसी तरह ये दूसरा है, इसमें भी अच्छे खासे बैंगन है। अभी इसमें कल मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, अभी इस पर नहीं है कोई भी। तो अब इसकी करेंगे हम हार्ड प्रूनिंग। तो अभी जैसा कि 6 महीने से ऊपर का हो गया है, तो अभी हार्ड प्रूनिंग में क्या करना है, इसकी जो ब्रांचेज हैं उसकी छटाई करेंगे हम। तो अभी देखिए काफ़ी सारी ब्रांचेज है इसमें, अभी स्टार्ट करते हैं इसकी हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं इसको। इसकी जितनी जितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं इनको हम काट देंगे, और ये फिर दोबारा से फूटेंगे। इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, पूरी तरह से पौधा दोबारा से नया जन्म लेगा, और फिर हमारा जो है अच्छे खासे इसके अंदर हम बैंगन लेंगे। ज़्यादा ब्रांचेज नहीं छोड़नी है, मैंने इसमें 3 ही ब्रांचेज छोड़ी हैं, ताकि इसमें जो हमें इसका छाया है वो अच्छी तरह मिले, चारों तरफ सनलाइट इसके पौधे के अंदर जाए। तो अभी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, तो अभी लगभग इसको लगेगा टाइम, लगभग इसका 2-3 वीक के बाद ये हमारा दोबारा से पूरा हरा हो जाएगा, और फिर से दोबारा हमें फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि इसमें दोबारा से फल लगे या नहीं। तो अभी इसकी मैं अच्छी तरह से गुड़ाई कर दूंगा और इसके अंदर खाद देना स्टार्ट कर दूंगा। अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्दी ये फुटाव में आ जाएगा और दोबारा से हमें बैंगन देना शुरू कर देगा। 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस बैंगन को, तो अभी देखते हैं इसमें सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ आगे की अपडेट के लिए।